इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें, बिहार एसएससी 2014 इंटर लेवल की परीक्षा का रिजल्ट एक बार फिर से रद्द हुआ है। जी हम आपको बता दें कि इससे पहले 2017 में भी इस परीक्षा को रद्द किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि बिहार एसएससी 2014 की परीक्षा विवादों में थी और मुख्यमंत्री खुद सामने आकर इस परीक्षा को रद्द कर चुके थे, और अब जब दोबारा पुनः परीक्षा के बाद रिजल्ट प्रकाशन हुआ, रिजल्ट में कई प्रकार के धांधली का आरोप लगा है और अब परीक्षा रद्द की गई है। इस वीडियो में हम आपको पूरी खबर से रूबरू कराएंगे। 1 दिसंबर 2020 को पटना हाईकोर्ट का बड़ा जजमेंट आया है, आपको जजमेंट से भी रूबरू कराते हैं, पर पहले अनअकैडमी के संबंध में यह विज्ञापन देख ले। खबर से पहले हम आपको अनअकैडमी के बारे में बता दें, अनअकैडमी भारत का उभरता हुआ ऑनलाइन लर्निंग ऐप अब आपके लिए सीटेट की तैयारी लेकर आया है। आपको बता दें कि 31 जनवरी 2021 को सीटेट की परीक्षा होने वाली, ऐसे में ऑनलाइन माध्यम से अपने तैयारी को नया आयाम दीजिए, साथ में रिवॉर्ड भी पाइए। कई तरह के रिवॉर्ड भी ऑनलाइन पढ़ाई के साथ आपको देखने को मिलेंगे और 9 सूत्र के साथ अनअकैडमी हाजिर है। कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स ऑन सीटेट पेपर 1 और 2, आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2020 से ये शुरू होने जा रहा है। आप अभ्यर्थी अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़े। हिमांशी सिंह सीटेट मैसअप प्रैक्टिस सीरीज लेकर आई हैं अनअकैडमी पर, आप जुड़ सकते हैं अपने क्लास से। सौरभ शर्मा TGT PGT स्पेशलिस्ट सोशल साइंस के हैं, इनसे भी आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कमलदीप सिंह TGT PGT स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स, ये भी आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, आप पढ़ाई कर सकते हैं इनके साथ और आसान किस्तों में पढ़ाई करें। 1 महीने का 1200, 3 महीने का 3000, 6 महीने का 4800, 12 महीने का 6000 और 24 महीने का 7200 रुपये मात्र। गूगल प्ले स्टोर एप्पल स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके जुड़े अपने क्लास से। आज की बड़ी खबर है कि बिहार एसएससी 2014 का रिजल्ट रद्द हुआ है। आपको बता दें कि रिजल्ट में कई प्रकार की त्रुटियों को हाईकोर्ट पटना ने माना है। केस संख्या CWJC 7949/2020 ये केस संख्या है और ये केस अनिल कुमार शर्मा द्वारा किया गया पटना हाईकोर्ट में, और आज बड़ा जजमेंट आया। बिहार एसएससी के रिजल्ट में कई प्रकार के विवाद पहले भी जुड़ चुके हैं। आपको ये भी जानना चाहिए कि परीक्षा जब हुई थी अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र नहीं दिए गए थे, परीक्षा हॉल में ही प्रश्न पत्र ले लिया गया था। आपके स्क्रीन पर हाईकोर्ट का बड़ा जजमेंट 7949/2020 केस संख्या अनिल कुमार द्वारा किया गया है और ऑर्डर के हिंदी रूपांतरण को देख सकते हैं। साफ तौर से लिखा है कि मॉडल कुंजी उत्तरों को प्रकाशित करने में विफल रही है, साथ में परीक्षा में कई प्रकार की त्रुटियों को भी हाईकोर्ट ने माना है और अब रिजल्ट पुनः प्रकाशित करने से पहले काफ़ी मेहनत करना होगा BSEB को, क्योंकि साफ तौर से कड़े निर्देश हैं। बिना आंसर की के ये रिजल्ट कैसे जारी हो गया? आपको बता दें कि कोई आंसर की नहीं जारी हुआ था, ना ही अभ्यर्थियों को पता था कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर है। आप समझ सकते हैं कि कोई आंसर की नहीं, अभ्यर्थी ने क्या प्रश्न पत्र हल किए कोई जानकारी नहीं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि परीक्षा के विभिन्न तिथियों की जानकारी ऑर्डर में साफ तौर से लिखा है, 2017 का जिक्र आप देख सकते हैं और कितने उम्मीदवार पास किए हैं सभी जानकारी आपको इस ऑर्डर में नजर आएंगे। 19/2/2017 से 26/2/2017 को निर्धारित की गई थी, जिसमें धांधली के बाद यह परीक्षा रद्द की गई थी और पुनः परीक्षा ली गई थी, और पुनः परीक्षा जो हुई थी 8/12/2018 को शुरू हुई और 10/12/2018 को समाप्त हुई थी परीक्षा। 14/2/2020 को रिजल्ट आया था, 63,739 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया था, 13,120 रिक्तियों के खिलाफ यह परीक्षा थी। आपको बता दें कि अब पुनः रिजल्ट प्रकाशन की दिशा में कदम बढ़ाने को हाईकोर्ट का निर्देश है। इस प्रकार विख्यात चर्चा की पृष्ठभूमि में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए समीर गुप्ता, राजेश कुमार, रीचल और अन्य के मामले में मैंने निपटारा उचित माना है। आयोग को निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि पहला नंबर में कि आयोग को उसके मुख्य उत्तरों को अपलोड करना होगा, वेबसाइट जिसके आधार पर प्रश्न का मूल्यांकन किया गया है, आज से 1 सप्ताह के भीतर उनको ये उत्तर कुंजी अपलोड करना है कि क्या सही उत्तर कुंजी थी। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है, सीधे तौर पर सिर्फ रिजल्ट मिला है अभ्यर्थियों को। उसके बाद कई तरह के दिशा निर्देश हैं,
फिर से उत्तर कुंजी अपलोड करने के बाद अभ्यर्थियों से आपत्ति भी लेना है, और आपत्ति लेने के बाद, आपत्ति के निराकरण के बाद ही ये रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है। बड़ा ऑर्डर पटना हाई कोर्ट का, आप इस ऑर्डर को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि कई पेजों का ये ऑर्डर है और हम सभी पन्नों को विश्लेषित नहीं कर सकते। पर आपको हम बता दें कि बिहार SSC 2014 का रिजल्ट रद्द हुआ है, और अब बोर्ड को साफ तौर से पटना हाईकोर्ट से ये निर्देश है कि इस जजमेंट के बाद अब एक सप्ताह के भीतर पहले फाइनल उत्तर कुंजी अपलोड करें वेबसाइट पर आयोग, उसके बाद अभ्यर्थियों से आपत्ति ले, और आपत्ति के बाद फिर संशोधित उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड करें, और उसके बाद रिजल्ट प्रकाशन की बात सामने रखने की बात की गई है। आपको बता दें कि ये सही भी है, क्योंकि अभ्यर्थियों के साथ बड़ा धोखा होता है। सीधे तौर पर रिजल्ट निकाल दिया गया, क्या सही क्या गलत, अभ्यर्थी संशय में थे, और ऐसे में अभ्यर्थी जुलाई माह में पटना हाईकोर्ट पहुँचे थे, और पटना हाईकोर्ट में जब ये बात दाखिल हुआ है तो अब एक बड़ा जजमेंट आया है। आपको बता दें कि बिहार एस्टेट 2019-20 में भी ऐसा ही एक केस हुआ है, जिसमें बिना सिलेबस के परीक्षा पर केस हुआ है, और अब 15 दिसंबर 2020 को सुनवाई है। अभ्यर्थियों के कलेजे पर हाथ है कि आगे क्या जजमेंट आ सकता है। ऐसे में आज का जो जजमेंट है, 1 दिसंबर 2020 को पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पर यह अपलोड हुआ, और विभिन्न पहलुओं को आप पढ़ सकते हैं। साफ तौर से चक्रधारी शरण सिंह जी की बेंच में, ये माननीय न्यायाधीश इनके बेंच में इस केस की सुनवाई के बाद एक बड़ा फैसला आया, और बिहार SSC 2014 का रिजल्ट रद्द किया गया है। अब पुनः संशोधित रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, और इसे जो अभ्यर्थी फेल भी हैं वो भी पास हो सकते हैं, क्योंकि BSSC द्वारा रिजल्ट प्रकाशन में कई तरह की अनियमितता दर्शाई गई है, जैसे कि आंसर के बिना जारी किए रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया, साथ में कई प्रश्न में त्रुटियां भी थी जिसका समाधान BSSC द्वारा नहीं किया गया, और अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र भी परीक्षा हॉल में घर ले जाने के लिए नहीं दिया गया, वापस ले लिया गया था। ऐसे में अभ्यर्थियों के पास अब ना ही प्रश्न पत्र है, और ना ही वो जानते कि किस प्रश्न का क्या उत्तर है, और सीधे तौर पर रिजल्ट देखकर अभ्यर्थी हक्के बक्के थे। आपको बता दें कि बिना आंसर की के कैसे अभ्यर्थी समझेंगे कि किस प्रश्न का क्या उत्तर था, साथ में अगर प्रश्न पत्र भी ना हो तो कैसे समझेंगे। ऐसे में ये बड़ा आदेश पटना हाईकोर्ट का अभ्यर्थियों के पक्ष में जाता हुआ, और अब आंसर की के साथ प्रश्न पत्र को भी बिहार SSC को वेबसाइट पर अपलोड करके अभ्यर्थियों से आपत्ति लेनी होगी। बड़ी खबर है, अभ्यर्थी जो एडमिट कार्ड था उसको सही से अगर रखे होंगे तो आगे उनको फायदा हो सकता है। अब देखना यह है कि इसके बाद अब बिहार SSC अगला कदम क्या उठाती है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।